दत्ता के सीक्रेट रूम में रहने की क्या है सच्चाई? क्या टीना दत्ता को रखा गया है एविक्शन के बाद सीक्रेट रूम में? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। टीना दत्ता के एविक्शन की खबर को सुनकर जहां लोगों को झटका लगा है, वहीं कुछ फैंस हैं जो अब तक विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि टीना दत्ता का वाकई एविक्शन हुआ है। लोगों का मानना है कि टीना बेसिकली सीक्रेट रूम में गई है। टीना को एविक जरूर किया गया, लेकिन उन्हें सीक्रेट रूम में रख दिया गया है क्योंकि उनका एक बार फिर उनकी एंट्री कराई जाएगी। लोगों का मानना है कि अब तक कोई इंटरव्यूज आउट नहीं हुए हैं, ना ही टीना की कोई पिक्चर आउट हुई है एविक्शन के बाद। इसका मतलब साफ है कि टीना को सीक्रेट रूम में रखा गया है। लेकिन आपको इसके बाद की सच्चाई बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीना सीक्रेट रूम में नहीं है, टीना अपने मम्मी पापा के पास जा चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल उनके कोई इंटरव्यूज सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि टीना खुद इंटरव्यूज नहीं देना चाहती। इसके अलावा टीना जो है वो बहुत जल्द माइट बी पॉसिबल कि उन्हें एक बार फिर मौका मिलेगा बिग बॉस के घर में एंट्री करने का, बतौर एक बार फिर उन्हें चांस दिया जाएगा वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट। हालांकि अब तक ये कन्फर्म्ड नहीं है न्यूज, लेकिन अब तक फिलहाल टीना ने इंटरव्यू इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि कुछ चीजें सीक्रेसी रहनी ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में अगर आप ये सोच रहे कि टीना सीक्रेट रूम का हिस्सा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीना हो चुकी है बेघर और माइट बी पॉसिबल कि एक बार फिर उनकी एंट्री कराई जाएगी। अब इस खबर पर आपके क्या है रिएक्शन, हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।